दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिल्म जगत के जाने माने एक्टर साहबजादे इरफान अली खान अब नहीं रहे। उनका आज यानी 29 अप्रैल को मुंबई में कोकलाबेन अस्पताल में कैंसर के इलाज के दौरान कोरन इन्फेक्शन से दुखद निधन हो गया है। 53 साल तक ही जीवन व्यतीत कर पाए, तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इरफान खान भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और बॉलीवुड में अपने दमदार किरदार के लिए जाने जाते हैं। इरफान अली खान हिंदी, अंग्रेजी व टेलीविजन जगत के लिए एक कुशल अभिनेता साबित हुए। इन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक जैसी अनेक फिल्मों में बहुत ही शानदार रोल अदा किया और हासिल फिल्म के लिए उन्हें 2004 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी दिया गया। वे दोस्तों बॉलीवुड की 30 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। इरफान हॉलीवुड में भी एक जाना पहचाना नाम है। वे ए माइटी हर्ट, स्लमडॉग मिलेनियर, लाइफ ऑफ पाई और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में भी अपना शानदार प्रदर्शन कर चुके। 2011 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया था और 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इनको फिल्म पान सिंह तोमर में एक्टिंग के लिए श्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया। 2017 में बनी हिंदी मीडियम के लिए इन्हें फिल्म फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। इनकी पर्सनल लाइफ और एजुकेशन की बात करें तो इरफान खान जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनकी माता का नाम सईद बेगम खान और पिता यासीन अली खान थे। इनके पिताजी टायर का कारोबार चलाते थे और इनके सबसे अच्छे दोस्त सतीश शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं वो जाने जाते थे। दोस्तों उन्होंने 1984 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अध्ययन के लिए एक छात्रवृत्ति अर्जित की और वहीं से उन्होंने अभिनय में प्रशिक्षण दिया। दोस्तों 23 फरवरी 1995 को उन्होंने फिल्म लेखक और साथी एनएसडी ग्रेजुएट सुतापा सिकदर से शादी की। उनके दो बेटे हैं बाबल और अयन। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था 2012 में, उन्होंने अपने नाम की इंग्लिश स्पेलिंग में एक्स्ट्रा आर डाल दिया था क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें अपने नाम में एक एक्स्ट्रा आर स्वर की ध्वनि पसंद है। ये दोस्तों इंडियन बॉलीवुड में और बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपनी बहुत ही अच्छी पहचान बना चुके थे। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर ये फिल्म पान सिंह तोमर के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके हैं। ऑडियंस का मानना है कि वे अपनी आंखों से ही पूरा अभिनय करते थे और यही उनकी विशेषता है कि ऑडियंस को वो अपनी ओर आकर्षित करती थी। इनके करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल से हुई थी। उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता आदि धारावाहिकों में काम किया था। उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म सलाम बॉम्बे से एक छोटे से रोल के साथ हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे बड़े रोल अदा किए, लेकिन असली पहचान उन्हें मकबूल, रोग, लाइफ इन अ मेट्रो, स्लमडॉग मिलियनेयर, पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों के साथ मिली। इनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अंग्रेजी मीडियम है और ये कैंसर के इलाज के दौरान ही इरफान ने इस फिल्म की शूटिंग की थी। तो आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इरफान खान की मृत्यु आज यानी 29 अप्रैल 2020 को कोकलाबेन अस्पताल मुंबई में कैंसर के इलाज के दौरान कोलन इन्फेक्शन से हो गई है। ये अपने बॉलीवुड जगत में और हॉलीवुड जगत में अपने कैरियर के जरिए एक अनोखी छाप छोड़ गए हैं जो कि सबके दिलों में ये हमेशा जीवित रहेंगे।